hello everyone this is shilpi tyagi i'm working as assistant professor at ipm college kasebad here i'm going to tell about article 32 226 and about types of writs, which can be issued for the violation of fundamental rights or for any other legal purpose article 32 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल राइट है आर्टिकल थर्टी टू इंडिविजुअल्स को राइट प्रोवाइड करता है टू मूव सुप्रीम कोर्ट किस लिए जब उन्हें लगता है कि दे आर अनड्यूली डिप्राइव्ड फ्रॉम दियर फंडामेंटल राइट दे मूव टू सुप्रीम कोर्ट किस लिए किस लिए मूव करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर एंड ग्रेंटर ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स विच आर मेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी टू के इंपॉर्टेंस को बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर कुछ लाइंस बोलते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर स्टेटेड दैट इफ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल Without which this constitution would be a nullity. I would not refer to any other article except Article 32. Article 32 is the soul of the Indian constitution. Now we come to the next point Article 226. Article 226. Enshrined under Part third of the Constitution of India, Article 226 provides the High Courts with the power to issue writs in the form of habeas corpus, mandamus, prohibition, covarinto, certiorari, or any of them to any person, authority. Including the government. Article 226 of the Indian Constitution gives the High Courts the power and the ability to enforce any of the basic fundamental rights guaranteed under Part 3 of the Constitution of India or for any other legal purpose. अभी जैसा कि हमने देखा कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है टू तो इशू रिट्स और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की पावर है रिट्स इशू करने की राइट right. दो अभी हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या-क्या डिफरेंस -क्या हैं दोनों में आर्टिकल 32 में एंड 226 में आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ आर्टिकल

हैज अ लिमिटेड रीच एंड ग्रेटर रीच इनका क्या मतलब है आर्टिकल थर्टी टू सुप्रीम कोर्ट की पार है ठीक है रेट इशू करने की बट इसमें एक लिमिटेड रीच ये वर्ड यूज कर दिया है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो तो हायर अथॉरिटी है उससे ऊपर तो कोई कोर्ट ही नहीं है लेकिन इसमें इसमें क्यों लिखा लिखा हुआ हुआ है है और को बना दिया वो इसलिए लिखा हुआ है कि जो आपका आर्टिकल टू थर्टी टू है आर्टिकल थर्टी टू का एरिया जो है वो आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स से वाइडर नहीं है आर्टिकल 226 का एरिया ज्यादा वाइडर है क्यों क्योंकि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर है रिट इशू करने की फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और फॉर एनी अदर लीगल पर्पस इसलिए आपका आर्टिकल 226 का वाइडर एरिया है और आर्टिकल 32 में पावर है फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑनली

possesses authority and the ability to compel. We all have rights, various rights we have, such as right to life, right to education, right to dignity and so on. But these rights can only be used if they are safeguarded. ek banda यदि उसके पास कोई right है तो उसका वो full पूरी तरह से जो enjoyment कर पाएगा वो तभी तो कर पाएगा जब उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा उसको सेफ गार्ड किया जाएगा ठीक है और वो सेफ गार्ड कैसे किया जाएगा जहां पर उसे राइट प्रोवाइड किया गया है वहां उसे प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी हो दूसरे लोगों की स्टेट की यदि कोई उसके राइट का वायलेशन कर रहा है तो उसका राइट तो हम उसको तो हम सेफ गार्डेड राइट नहीं बोल सकते है ना एज डिग्विड सेट वेयर देर इज राइट देर इज ड्यूटी our constitution mentions the protection of our fundamental rights in four articles article 13 which talk about judicial review article 359 which talks that Fundamental rights cannot be curtailed at any time except in the situation of emergency. Article 32 of the Constitution mentions the protection of our fundamental rights by the Supreme Court. And Article 226 mentions the protection of our fundamental rights by the High Courts. Now we see types of rights. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रेट्स के टाइप्स हैं वो फाइव हैं पांच तरह के रेट होते हैं ठीक है जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं हैबियस कॉर्पस इट्स अ अ फ्रेज दैट मींस टू हैव बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी दिस इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट ऑफन एन यूज रेट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका क्या है इफ अ पर्सन इज रॉन्गफुली डिटेन बाय द गवर्नमेंट दैट पर्सन

किसलिये? कि किसी पर्सन को डिटेन जो किया गया है वो किस वजह से डिटेन किया गया है जैसा कि हम प्रेसिडेंट में पढ़ते हैं रेशो डेसीडेंटी रीजन बिहाइंड द द डिसीजन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिट इज टू फ्री अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली डिटेन और इम्रीजेंड इसमें केसेस हैं जैसे कि पहला है आपका रुदुल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार सुनील बत्रा वर्सेज डेली एडमिनिस्ट्रेशन शाह रुदुलशाह मीन्स कोई किसी बंदे ने कोई ऑफेंस किया उसमें उसको सेंटेंस प्रोवाइड किया गया ठीक है और उस सेंटेंस का वो भुगत चुका है मीन्स जितना सेंटेंस उसको दिया गया था उसने वो सब काट लिया है ठीक है उसे रिलीज करना चाहिए, लेकिन अभी भी उसे रिलीज नहीं किया गया उसे फर्दर ऐसी आगे के लिए फिर से और डाल दिया गया तो दैट इज रॉन्ग ना तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था फिर क्या हुआ द पर्सन वॉज प्रॉम्प्टली फ्रीड फ्रॉम जेल उसके बाद जब वो रिट इश्यू की गई तो उसे जेल से फ्री किया गया एंड वॉज गिवन डैमेजेस आफ्टर यूजिंग द रेट ऑफ है पर सुनील डेली फाइल्ड नॉट ओनली फॉर for the prisoners improper or illegal detention, सिर्फ इन्हीं grounds पे नहीं की जा सकती और किस ground पे की जा सकती है फॉर ill treatment और discrimination. okay now we come to the next writ mandamus it is a latin phrase that translates to we command it is a type of command that can be used to execute public duties by constitutional statutory non-statutory universities courts and other bodies this writ is used टू कंपेयर अ पब्लिक ऑफिशियल किस लिए यूज की जा सकती है पब्लिक ऑफिशियल को कंपेयर करने के लिए आप किस लिए कंपेयर करेंगे आपने टू कैरी आउट द ड्यूटीज दैट है आगे देखिए एक पॉइंट और लिखा हुआ है द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग दिस रेट इज दैट देयर बी अ पब्लिक ड्यूटी ओके okay. इसमें केस आता है आपका एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें क्या था आपका द को ऑफ मैंडेमल्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स सच एज द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स नेक्स्ट डेट आती है हमारी सरशोरि इसमें क्या है इट्स लेटिन फ्रेज दैट मीन्स टू बी सर्टिफाइड

मतलब कि वो देखेंगे कि उनके डिसीजंस जो हैं वो इलीगल तो नहीं हैं ठीक है डियर डिसीजंस में भी इलीगल इफ okay? uh, दे आर मेड इन द एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन इन द वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस ओके हाँ इफ देयर डिसीजंस आर फाउंड टू तो बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल देन दोज Will be इसमें आपका केस है एके कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन दिस केस द रेट ऑफ सी वॉज इशू टू द लोअर कोर्ट एंड दियर जजमेंट डेलीवर्ड क्वेस्ट। नेक्स्ट की नेक्स्ट आतेट हमारा प्रोहिबिशन द रेट ऑफ प्रोहिबिशन लेटर हायर कोर्ट टू अर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट दू रिस्ट्रिक्शन ओके इसमें क्या है एक शब्द यूज किया गया टू फॉरबिड ठीक है कुछ चीज चल रही है और आपने उसको तभी स्टॉप कर दिया वहीं पर फॉरबिट कर दिया और आपका सर में क्या था उसमें क्या था कि जजमेंट आ गया डिसीजन आ गया उसके बाद जो हायर कोर्ट है ये अपर कोर्ट है वो उसका रिव्यू कर रही है और इसमें स्टार्टिंग में ही फॉरबिट आपका गोवर एंड इट्स फ्रेज दैट मींस बाय वॉट अथॉरिटी द कोर्ट कैन यूज दिस ask any public official about the authority under which that public official has accepted that particular public office. इसमें क्या है कि जो कोड है वो public official के लिए इन इस रिट को इश्यू कर सकते हैं कि भाई आपने कोई public post ठीक है कोई public office एक्वायर किया हुआ है तो मतलब कि आपके पास क्या अथॉरिटी है किस अथॉरिटी से आपने, किस से आप उस पोस्ट पर तो ऐसा इस रिट के द्वारा पूछा जा सकता है इफ इट इज द पब्लिक ऑफिस वाज इम्प्रॉपरली ऑक्यूपाइड द पब्लिक ऑफिशियल मस्ट क्विट द पोजीशन इमीडिएटली ठीक है, किस अथॉरिटी से आपने उसको ऑक्युपाई किया हुआ है और यदि ये डिस्कवर होता है कि आपने उसको इम्प्रॉपरली ऑक्युपाई किया हुआ है तो आपको वो इमीडिएटली क्विट करना पड़ेगा थैंक यू